मणिपुर के मुद्दे को अगर देखा जाए तो ये 1949 से अब तक जल ही रहा है, और वो जातीय और एक रीजनल बेस पे वहां लड़ाई चल रही है, मिथाइस, कुकीज और नगा के बीच में। 19 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि मिथाइस जातीय को अगर एसटी में रखने में विचार किया जाए तो ये उचित होगा। ठीक है, तो इसको विचार करने के लिए रखा गया एसटी में, और ये बात वायरल फैल गया वहां पर कि भाई अगर ये एसटी बन जा रहे हैं तो इनका हक बढ़ जाएगा। जैसे अब ये इम्फाल सिटी से, उस घाटी से निकल के हमारे पहाड़ी इलाके में आएंगे, वहां जमीन लेंगे, बस जाएंगे, घर बना लेंगे, हमारे हिस्से, हमारे हक को लेना शुरू कर देंगे। तो उनके मन में एक डर पैदा हुआ कुकीज और जो नागाज है वहां पर, और अब वो दोनों में क्लैश और बढ़ गया। 19 अप्रैल 2023 के बाद ये क्लैश और बढ़ गया। अचानक 4 मई को क्या होता है, 3 मई को क्या होता है कि ऐसा लगा कि कुछ मैथिस जाति के किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मोदी साहब जो अपनी मन की बात रखने में मशहूर हैं, आज ये मन की बात कहाँ चली गई। उनका हार्दिक पीड़ा उनको हो रहा है, वो रो रहे वो हैं, भी 2.5 महीने बाद 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री को। उनको बड़ा क्रोध आ रहा है। क्रोध किस पर आ रहा है? अपने आप पे आ रहा हो कि भाई इतना कुछ हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है। वो जो महिलाओं की हत्या हुई, 142 लोग जो मारे गए, 150 लोग जो मारे गए, वो लौट के नहीं आ जाएंगे। आपके क्रोध और आपके पीड़ा होने से जो 1700 घर जला दिए गए, वो लौट के नहीं आ पाएंगे, और नहीं वो जो 60,000 घायल लोग हैं उनका उपचार हो जाएगा आपके क्रोध होने से। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको डायरेक्टली वहां इंटरफेयर करना चाहिए था। अब आप इंटरफेयर क्यों नहीं किए, ये भारतीय जनता के जनमानस में मन से बाहर का चीज है कि आप इंटरफेयर क्यों नहीं किए। प्रेसिडेंट का इंटरफेरेंस वहां नहीं हुआ, गृह मंत्रालय वहां इंटरफेयर नहीं कर रही है। तो इतने सारे तंत्र हमारी सेनाओं के होने के बावजूद भी मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, और हर दिन वहां के लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं सुबह हम देख पाए कि नहीं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में जो है महिलाओं को दौड़ाकर नग्न करके जो है पीटा जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम चीज होने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे आई हैं उनके स्टेटमेंट आते हैं कि केंद्र सरकार कुछ करे नहीं तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आता है, हमें बहुत पीड़ा है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मौजूद है पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील एस के मिश्रा सर। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। किस प्रकार देख रहे हैं सर इन तमाम मुद्दों को? देखिए, मणिपुर के मुद्दे को अगर देखा जाए तो ये 1949 से अब तक जल ही रहा है, और वो जातीय और एक रीजनल बेस पे वहां लड़ाई चल रही है, मिथाइस, कुकीज और नगा के बीच में। अगर डेमोग्राफिकली हम लोग कहें तो देखिए, अगर लोग तो जो मिथाई जाति वहां की है, ये ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत के अर्जुन के वंशज है। एक थॉट्स कहता है कि वो मंगोलॉइड्स हैं, मतलब मंगोलियन ओरिजिन के हैं वो, या आर्यंस भी हम लोग कभी उनको मानते हैं वो। तो वो एक संपन्न जाति वहां पर है, और ये पूरा इम्फाल सिटी जो है, मतलब जो राजधानी वहां की है, उसके जो घाटी के क्षेत्र हैं, जो मैदानी भाग है, वहां ये बसे हुए हैं। सही मायने में देखा जाए तो इम्फाल का जो घाटी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, वो पूरे मणिपुर का 10% भूभाग है, और इस 10% भूभाग में 50% आबादी पूरी मणिपुर की रहती है वहां पर, और ये संपन्न माने जाते हैं वहां। रेमेनिंग जो घाटी का इलाका है, जो प्योरली घाटी है, वहां नागाज और कुकीज रहा करते हैं, क्योंकि उनका जो बाउंड्री है वो टच होता है म्यांमार से, और उनका मेन काम है नशा का। जैसे जितना भी अफीम वगैरह होता है उसकी खेती करते हैं वो लोग, और इधर उधर करते रहते हैं, मैंने मेनली उनका जो बिजनेस है अफीम का होता है, नशे में वो अपना नशे का बिजनेस करते हैं, वो लोग उसे कमाते हैं। लेकिन यहाँ जो है इम्फाल सिटी में, और जो मैदानी भाग इसका है, जो थोड़ा बहुत घाटी का क्षेत्र होता है, वहाँ तकरीबन जो 60 सीट असेंबली की है, वहाँ 40 विधायक से वहां से आते हैं। सोचिए कितना संपन्न होगा वो। तो एडुकेटेड भी है वो, फाइनेंशियली बड़ी साउंड है वो, सब कुछ ठीक है। फिर भी उन्हें एसटी कैटेगरी में क्यों आना है? हाँ, अब 19 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि मिथाई जातीय को अगर एसटी में रखने में विचार किया जाए तो ये उचित होगा। ठीक है, तो इसको विचार करने के लिए रखा गया एसटी में, और ये बात वायरल फैल गया वहां पर कि भाई अगर ये एसटी बन जा रहे हैं तो इनका हक बढ़ जाएगा। जैसे अब ये इम्फाल सिटी से, उस घाटी से निकल के हमारे पहाड़ी इलाके में आएंगे, वहां जमीन लेंगे, बस जाएंगे, घर बना लेंगे, हमारे हिस्से, हमारे हक को लेना शुरू कर देंगे। तो उनके मन में एक डर पैदा हुआ कुकीज और जो नागाज है वहां पर, और अब वो दोनों में क्लैश और बढ़ गया। 19 अप्रैल 2023 के बाद ये क्लैश और बढ़ गया। अचानक 4 मई को क्या होता है, 3 मई को क्या होता है कि ऐसा लगा कि कुछ मैथिस जाति के किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ, और वो बलात्कार का आरोप लगा कुकीज पर। बदले में ये लोग क्या किए कि दो कुकीज, मैंने जो उनका गाँव था ना, दो पूरे गाँव को ये लोग वहां पहुंच के और आग लगाना शुरू कर दिया। तो आग लगाना, फायरिंग करना शुरू कर दिया लोग।
इस घटना से भयभीत होकर पूरे गांव वाले जहां तहां भागने लगे। उसी में जो दो लड़कियां थी वो जान बचाने के लिए एक खेत की तरफ भागी, वो धान का खेत था, जहां ये लोग उनको पकड़ लिए और पकड़ने के बाद उस खेत में जाके उसे असॉल्ट किया गया, बलात्कार नहीं हुआ था, असॉल्ट किया गया मतलब कपड़े फाड़ दिए गए उनको, हाँ थोड़ा किया गया, छेड़छाड़ किया गया उनके साथ में, लेकिन एग्जैक्टली उसमें एक आपके जो एक के जो पति है वो रिटायर्ड आर्मी मैन, जिनका बयान भी आ रहा था कि हमने भारत माता की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी, हाँ, और हमने भारत की रक्षा की है, लेकिन आज अपनी पत्नी की रक्षा हम नहीं कर पा रहे, हमारे ही सामने उसका असॉल्ट होता रहा। एक शर्मनाक बात है कि जो सैनिक हमारे देश और हमारी सुरक्षा के लिए जान दे रहा है बॉर्डर पर, हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सीन बन रहा है वहां पर, चूंकि भाजपा सरकार वहां पर है, एन बीरेन सिंह वहां मुख्यमंत्री है और उसके केंद्र सरकार भाजपा की है। विडंबना यह है कि आदिवासी जनजातियों के साथ ये सब घटना घट रही है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो है वही आदिवासी महिला है, वो महिला है आदिवासी है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया भी इस मामले में चुप रही, जबकि एक आदिवासी की इज्जत लुटती रही और हमारी प्रेसिडेंट भी चुप हैं और कोई बयान उनका नहीं आया, नहीं कोई इंस्ट्रक्शन उनका वहां गवर्नर को दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मोदी साहब जो अपनी मन की बात रखने में मशहूर है, आज ये मन की बात कहाँ चली गई, उनका हार्दिक पीड़ा उनको हो रहा है, वो रो रहे हैं, ढाई महीने बाद 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री को, उनको बड़ा क्रोध आ रहा है, क्रोध किस पर आ रहा है, अपने आप पे आ रहा हो कि भाई इतना कुछ हुआ हम कुछ नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग समझ तो नहीं पा रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री क्रोध क्यों आ रहा है, 30 सेकंड तो बोले ही मत, एग्जैक्टली, तो अब क्रोध किस पर आ रहा है या वहां के लोग पे क्रोध आ रहा है, तो क्रोध आने से वो खोई हुई इज्जत लौट के नहीं आ जाएगी, वो जो महिला की हत्या हुई 142 लोग जो मारे गए, 150 लोग जो मारे गए, वो लौट के नहीं आ जाएंगे, आपके क्रोध और आपके पीड़ा होने से जो 1700 घर जला दिए गए वो लौट के नहीं आ पाएंगे, और नहीं वो जो 60,000 घायल लोग हैं उनका उपचार हो जाएगा आपके क्रोध होने से। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको डायरेक्टली वहां इंटरफेयर करना चाहिए था, अब आप इंटरफेयर क्यों नहीं किए, ये भारतीय जनता के जनमानस में के मन से बाहर का चीज है कि आप इंटरफेयर क्यों नहीं किए, गवर्नर इंटरफेयर कुछ नहीं किए, प्रेसिडेंट का इंटरफेरेंस वहां नहीं हुआ, गृह मंत्रालय वहां इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो इतने सारे तंत्र हमारी सेनाओं के होने के बावजूद भी मणिपुर ढाई महीने से जल रहा है और हर दिन वहां के लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं सुबह हम देख पाए कि नहीं। तो लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया केंद्र सरकार को तलब तक क्यों नहीं की इतने दिनों में। हमको लगता है कि हम सोचता गलत भी हो, शायद प्रधानमंत्री महोदय को ये पता नहीं कि मणिपुर भारत में ही है, हालांकि सरकार तो बन गई उनकी, लेकिन शायद लगता है मनसा उनकी होगी भारत से बाहर का पार्ट होगा, ये जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार है, बर्मा, सिक्किम है, तभी तो मणिपुर जल रहा है और वो विदेश का दौरा, वो ये बताना चाहिए भाई, गृह मंत्रालय को बताना चाहिए कि मणिपुर भारत का ही एक अंश है और आपके ही देश में आता है वो, आप उसके ही प्रधानमंत्री हैं और वो सब लोग की जो मन में सम्मान आपके प्रति काफी है, तभी वहां के लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ इंटरफेयर करें, प्रधानमंत्री सेना भेजे और इंटरफेयर यहाँ दंगों को शांत कराएं, लेकिन केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय क्यों चुप है, ये एक अनसुलझा सवाल है, मेरे अंदर भी अनसुलझा सवाल है। और इन चुप्पी को देखने को माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सीआई साहब ने, चंद्रचूड़ साहब ने इसमें इंटरफेयर किया कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय कोई एक्शन नहीं लेगा तो हमें सामने आना पड़ेगा, यह बयान था चंद्रचूड़ का, सीआई साहब का। अब बताइए इन मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, चूंकि वहां रिपिटिशन का पेंडिंग है, पीएल वहां पेंडिंग चल रहा है, तो अगर सीजीआई इंटरफेयर कर सकते हैं वहां पर, प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अनसुलझी पहली। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक दौरा भी होता है वहां पे मणिपुर में, उसके बावजूद हालात काबू नहीं हो पाते हैं। नहीं, वहां चुनाव भी नहीं हो रहा है, चुनाव होते तो क्या कुछ हालात होते, चुनाव होते तो प्रधानमंत्री 26-27 बार जाते हैं वहां, गृह मंत्री भी जाते हैं वहां पर, अभी चुनाव तो हो नहीं रहा है वहां पर, हाँ चुनाव तो हो नहीं रहा है, इसलिए उनका जाना अभी संभव नहीं है, वो नहीं जा पाएंगे अभी, फिर जब चुनाव आएगा तो जाएंगे, दौरा दौरा करेंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे वहां पर, घूम चले आएंगे वहां पर। प्रधानमंत्री जी इन चीजों के लिए बड़ा सक्रिय है, बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और सम्मोहन शक्ति उनके पास में पहुंचते ही वो कुछ कुछ पैकेज अनाउंस करते हैं, 125 करोड़ 150 करोड़ देना शुरू कर देते हैं, वो मिलता नहीं है, लेकिन बयान वक्तम किम दरिद्रम देखे चले आते हैं वहां पर वो, और लोग उसी भर में रह जाते हैं, चुनाव हो जाता है, फिर प्रधानमंत्री अपने घर, वो अपने घर, आप जलिए मरिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मणिपुर इतना जल रहा है उसके बावजूद भी राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन आखिर किस दिन काम आएंगे, कब लगेंगे? राष्ट्रपति के पास एम्पल पावर है कि इस सिचुएशन में सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए आप आर्मी को भेज सकते हैं, क्योंकि तीनों सेनाएं आपके पास में है, आप तीनों सेना अध्यक्ष हैं, आप वहां आर्मी भेज सकते हैं, लेकिन वहां के सरकार के परामर्श के बाद, तो कहीं ना कहीं इन बीरेन सिंह ने अभी तक केंद्र से कोई सहायता नहीं मांगा, या हो सकता है कि केंद्र से कोई हेल्प मांगने में उनको शर्माती हो कि भाई हम निकम्मे हैं या हमारा बदनामी हो जाएगा,
तो इनफैक्ट प्लस उनका जो गैर जमाना बयान आ रहा है कि ऐसी घटनाएं तो यहाँ रोज होती रहती है, कोई बड़ी बड़ा न्यूज नहीं है। अगर महिला का बलात्कार हो गया, कपड़ा फाड़ घुमा दिया तो क्या दिक्कत है, 150 मर गए तो मर गए, दो हजार घर जल गया तो जल गया, कोई दिक्कत नहीं, 1500 लोग घायल हो गए तो हो गए, ऐसी घटनाएं तो यहाँ आम बात है, इसलिए कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं है। उनको ये बड़ा न्यूज नहीं लग रहा है, अगर उनका घर जले तब लगे कि हाँ उनके लिए बड़ा न्यूज बन जाएगा। शायद इसीलिए लोग उन्हें बेसर मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में हमने प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।